तो दोस्तों गलता जी मंदिर में आ चुके हैं हम लोग। और गलता जी मंदिर में आप देख सकते हो बाहर से भी लोग आ रहे हैं पूरा देखने के लिए, और विदेशी भी हमारी संस्कृति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और भी हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बंदर बहुत दिखेंगे आपको। ये देखो आप, पूरे विदेशों से आए हुए लोग और बड़ा ही संस्कृति को एंजॉय करना चाहते हैं, संस्कृति को जानना चाहते हैं यहाँ की, मतलब यहाँ की संस्कृति को। बाहर के लोग, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी संस्कृति में इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं। दोस्तों देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है, और मैं बाइक से पूरा रास्ता कर रहा हूँ। आपको गाड़ी की आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, गलता जी के लिए जा रहा हूँ मैं। गलता जी का रास्ता है ये पूरा। जयपुर में गलता जी जो मंदिर है उसी का रास्ता है पूरा। बहुत ही रिस्की रास्ता है, ऑफ रोडिंग। आप देख सकते हो सामने में पूरा पहाड़, और पूरा कितनी ऊंचाई पर होऊंगा मैं इससे अंदाजा लगा सकते हो आप। बस मंदिर पहुंचने वाला हूँ। भैया मंदिर नीचे ही है, मंदिर नीचे ही है। आपकी जरा सी गलती और सीधे नीचे खाई में। Your destination is on the right. गलता जी मंदिर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे बंदर बहुत मिलते हैं, वो बहुत सारे हैं और लड़ रहे हैं अपने में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। गलता जी मंदिर पे आ चुके हैं हम लोग, और ये देख सकते हो कितने सारे, आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ।
कितने सारे यहाँ पे लंगूर दिख रहे हैं, बंदर हैं पूरा। आगे चलते हैं हम और आपको गलता जी मंदिर में लेके चलते हैं। मैं बाइक से आया और बहुत ही खतरनाक चढ़ाई थी, बाइक से लाने में यहाँ पे बड़ा दिक्कत होती है। जो लोकल हैं जो रोज चढ़ते उतरते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप नए हो तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है उतरने चढ़ने में। अगर आप देख सकते हो गलता जी का मंदिर है पूरा। तो अब हम आपको गलता जी का मंदिर दिखाते हैं पूरे। ये यहाँ पे बहुत बंदर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जानवर भी हैं कई सारे देख सकते हो। देख सकते हो ये पूरा तो ये वही जगह है, ये आप देख सकते हो ये जो पानी आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप लोग यहाँ पर कुंड देख रहे थे, ये जो कुंड है दो कुंड है यहाँ पर, एक जेंट्स के लिए बना हुआ है एक लेडीज के लिए। जेंट्स का ऊपर है और नीचे जो लेडीज का है, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कुंड पूरे। और ये देख सकते हो पहाड़ियों में पूरे मंदिरों के जो बिल्डिंग्स बनी हुई है और ये बने हुए, सभी लोग अपना कुंड में नहा के धर्म लाभ ले रहे हैं। लोग महीना भी चल रहा है तो उसी का पूरा लाभ ले रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सब लोग श्रद्धालु बनाए हुए हैं, यहाँ सालों पर ऐसा ही रहता है। अंदर मंदिर है, स्नान होता है, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती लोगों को, इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का मंदिर है। आप हमारे साथ बने रहो और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पूरा कि यहाँ का क्या इतिहास है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लोग यहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ का इतिहास क्या है, किस तरह से ये उद्भव हुआ ये मंदिर, और किसने बनवाया ये मंदिर, वो सभी यहाँ के, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, मैं यहाँ के लोकल लोगों से ही पूछूंगा कि इसका ओरिजिन का क्या इतिहास है। तो आप हमारे साथ बने रहो, चलते रहो, मैं आपको दिखाता रहूँगा पूरा यहाँ पर। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत मंदिर है, पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये मंदिर। यहाँ ये बाबा भी बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या था। अभी मैं अंदर चल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये लेडीजों के लिए बना हुआ है, ये लेडीजों के लिए कुंड बना हुआ है गलता जी में। ये नीचे है और ऊपर मैं आपको जेंट्स का दिखाया था मैंने, ये लेडीज के लिए कुंड है। इसका बारे में बोलते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसका कोई इतिहास नहीं है, पता नहीं है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिला अभी तक। पानी लेकिन अनवरत लगातार आता रह रहा है। तो आप देख सकते हो ये बाबा यहाँ बैठे हुए हैं।
हमें कुछ नहीं पता इतना है? इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास है, कुछ बता सकते हैं? ये तो गालो ऋषि थे, ब्रह्मा जी के होते थे, उन्होंने 7000 वर्ष तपस्या किया है और तब करते, तब के बल से डेली हरिद्वार जाते थे स्नान करने, वहाँ देखो तो स्नान करते, यहाँ देखो तो भजन करते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहीं, वहाँ अपनी माया समेत के यहीं बैठ गए तो गंगा माँ स्वतः आई, बोले आज, बोले हाँ तबीयत खराब, बोले क्या चाहते हो? अरे बोले आप तो जानती हैं फिर भी पूछ रहे हैं, नहीं बोलो, कहती मैं आपको चाहती, आप अगर यहाँ विराजमान हो जाए तो आपका नाम चले, मेरा नाम चले, कहीं चलती, कहीं कि ऐसा नहीं, मैं 5 फूल हरिद्वार में छोड़ के आऊँगा, जब वो निकलेंगे तब मैं मांगूँगा। कहीं ठीक है, लालू ऋषि में गए, नहाए धोए, 5 फूल छोड़े, गंगा माँ प्रकट भई, तो आप देख सकते हो आगे मैं बढ़ता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा सकते हो, यहाँ विदेशों से भी लोग आ रहे हैं हमारी संस्कृति को जानने पर अपने, और उनमें भी अच्छा, हमारे देश के प्रति लगाव दिखता है। कुछ देर के बाद आप देख सकते हो कि ये देखो आए कि ना हो, विदेशों के लोग भी पूरा मतलब जो हमारी धार्मिक भावनाओं को पूरा फॉलो कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप पूरा। राजा मान सिंह ने पूरा यहाँ पे पता पाया, ये भी कार्तिकस्थान में पूरा अपना एक कुंड बनवाया, अच्छा राजा मान सिंह ने। और देख आप देख सकते हो कि इनमें कितना हमारे धर्म के प्रति और देश में इनको बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल विदेशों के लोग भी हमारी संस्कृति में। अब देखो कितनी संस्कृति पता है, हाथ जोड़ के हमारी संस्कृति को जानते हैं लोग, और आप आगे हमारे साथ बने रहो और हम आपको और भी दिखाएंगे, और भी कई विदेशी आए हुए हैं जो इस मंदिर को देखने के लिए, हमारी संस्कृति को जानने के लिए, परखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं और पूरा देश को जान रहे हैं। आप देखो यहाँ पर 2 विदेशी और भी हैं जो कि पूरा देश को दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और हमारे साथ बने रहो, आपको हम आगे और दिखाते हैं। ये अपने साथ याद है संजो के लिए जाना चाहते हैं। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं पूरा, मंदिर देख सकते हो, ये गलता जी का मंदिर पूरा। Thank you.
आगे हम आपको दिखाते हैं, गुफा है एक बाबा के, लेकिन अभी बंद है। आगे चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं गलता जी के मंदिर को। प्रसाद के लिए ब्लॉगर हैं आप? हाँ बताइए, कुछ बता दिए, बोल दिया, वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ भैया अन्य क्षेत्र चलता है, हर रोज चलता है, लोगों की सेवा से चलता ही रहता है। अच्छा, अन्य क्षेत्र, ये अन्य क्षेत्र है, निरंतर चलता रहता है। अच्छा, ये मंदिर प्रांगण की ओर से है, हर रोज चलता है अन्य क्षेत्र। जो अपनी सेवा देना चाहते हैं वो देते हैं, बाकी लोगों की मर्जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे किसी चीज के लिए नहीं है कि लोग देके जाएं। अच्छा अच्छा, खा के जाएं। अच्छा अच्छा, लोगों के लिए ही बनता है प्रसाद। हमें भी खिला दीजिए हल्का सा प्रसाद। लो आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रसाद, यहाँ पे गलता जी के मंदिर में यानी क्षेत्र चलता है, जिसके लिए प्रसाद दिया जाता है और सभी के लिए यहाँ प्रसाद अवेलेबल है। जिनको भी खाना होता है वो प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। भरपेट मिलता है, भरपेट प्रसाद मिलता है। अच्छा, जितना खाना चाहे तो कितना खा सकता है। यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं और हम दिखाते हैं आपको अंदर तक। हम आपको और मंदिर के अंदर तक जा रहे हैं, गलता जी का, ज्ञान गोपाल जी का मंदिर है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ अंदर मंदिर। आगे और दिखाते हैं आपको मंदिर। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मंदिर श्री राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति। यहाँ के बंदर लोगों के बीच में आ जाते हैं आप देख सकते हो, और किसी को कुछ नहीं कहते हैं। लोग अपनी स्वेच्छा से इनको अपना अन्न भी डालते रहते हैं, फल फ्रूट देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ के बंदर किसी को कुछ नहीं कहते, बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, और लोगों के बीच में भी आ जाते हैं। लोगों के बीच में जो खाना बचा हुआ रहता है वो खा लेते ही हैं कुछ भी, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहते। लोग बता भी रहे थे यहाँ तक, आज तक किसी को कुछ कारा नहीं, काटा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा बंदरों ने। और यहाँ अनगिनत बंदर दिखते हैं, मतलब गिनती नहीं कर सकते हम, और बहुत ही बंदर दिखते हैं, पूरे पहाड़ियों पर रहते हैं। आप देख सकते हो ये अपना भोजन करने के लिए देख रहा है। बड़ा ही शांत स्वभाव का है, बड़ा ही खाने खोज खोज के खा रहा है कि कहाँ अच्छा खाना है। पूरी जगह जगह पे अब देखते रहो, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा गलता जी का मंदिर। और अगर आप नहीं गए हो तो जरूर हो जयपुर जाओ तो गलता जी। ये हमारा जो पहला कुंड है वहीं पर ये शिव मंदिर है, और यहाँ की बड़ी आस्था दिखती है लोगों में। पूरा पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान करने के बाद शिव जी की पूरी आराधना कर रहे हैं। शिव जी का शिवलिंग है यहाँ पर, और शिव जी की मूर्ति भी रखी हुई है यहाँ पर। और आगे हम चलते हैं, आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं मंदिरों को। और यहाँ पर लोग स्नान करके पूरा अपना धर्म लाभ ले रहे हैं। देख सकते हो कितने सारे बंदर हैं, और पूरा सीढ़ियों पे आ चुके हैं, इनका कहीं आने का टाइम हो चुका होगा, जाने का टाइम। जानवर अपनी बंदरों को प्यास लगती है तो इसी कुंड से अपनी प्यास बुझाते हैं पानी पीकर, और आराम से आते हैं पानी पी के अपना फिर से चले जाते हैं अपने पहाड़ियों पे। किसी को कुछ नहीं कहते, मैंने देखा यहाँ पर, मतलब इतने शांत स्वभाव के ही हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। लोगों के बीच में एकदम आराम से इनके बीच से चले जाते हैं लोग, और किसी को कुछ नहीं कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग इसमें नहा भी रहे हैं और सामने ये पानी पी रहे हैं, और ये कुछ नहीं कह रहे किसी को। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी है, इनको परेशान कर देते हैं, नहा रहे हैं, इनके पानी पीने का है, साइड हटने के बजाय लोग और उल्टा इनको भगा रहे थे, तो वो गलत था। आप देख सकते हो पानी का पूरा बहाव आ रहा है लगातार, यहाँ पानी रुकता नहीं है, ये हमेशा आता रहता है इसमें पानी। और वो कहाँ से आ रही है आज तक पता नहीं किसी को। आप देख सकते हो कितना खतरनाक है रास्ता, इसी पे मैं पूरी बाइक से गया था। पूरा पहाड़ी है, नीचे खाई है, पहाड़ी पे जा रहा हूँ, पूरी नीचे खाई है, जरा सी गलती और नीचे पूरी बाइक जा सकती है, तो बड़ा संभल के चलाना पड़ा बाइक को। और बहुत ही ऊँची पथ है मंदिर, Thank you.